ब्रीफ टीम के मेंबर मैम ज़ैनब बानू को मैं दावा दूंगा कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम के रिलेटेड अपना व्यूज पेश करें। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया था 2009 में, इसका मेन मकसद जो है क्या है, यानी इंडिया में जो है इंडियन के स्टेजन जो है उसको, यानी यंग वोटर्स, फ्यूचर वोटर्स है, जैसे कि आप लोग जो है वो फ्यूचर वोटर्स है, ठीक है, आने वाले फ्यूचर वोटर्स है, तो फिर आप लोगों को एजुकेट करने के लिए यानी वोटर प्रोसेस में, ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप यानी इलेक्टोरल रोल, यानी जब आप लोग 18 ईयर हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप लोग इलेक्टोरल लिस्ट में जो है एलिजिबल हो जाता है दर्ज करने के लिए, तो फिर आपको उसको कैसे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें, यानी एक हमारे इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, अभी सर ने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो फिर एक डेमोक्रेसी में जो है वोट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, वोटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, इसीलिए जो है ईसीआई ने ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था जो 2009 में, तो अभी तक ये चलते आ रहे हैं सीवी प्रोग्राम, तो इसका मेन मकसद जो है आप लोगों को अवेयर करना है अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस और प्रमोट द इलेक्टोरल लिटरेसी, ठीक है, तो साथ ही साथ जो है यानी आप लोगों को मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं बच्चों, कोई भी लड़का लड़की औरत या थर्ड जेंडर या एनी वन जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसकी एज 18 या उससे अबव है, वो अपना, उसको हक है कि वो क्या दे सकता है, अपना वोट दे सकता है, तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमो रखा गया है, तो आज का प्रोग्राम हमारे सुकून में यहाँ पे जो रखा, इनका मैं स्वीप के जो टीम आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोग चुनते हैं, लोगों के ज़रिए चुनते हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि हम और आप जो सिटीज़न है उनको बाहर आके वोटिंग सिस्टम में हिस्सा लें, नहीं तो हो सकता है, अगर हमारे बार स्वीप के जो टीम यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब जो है।